देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कोल्ड वार के। पिछले 2-3 दिन से हम लोग कोल्ड वार यानी शीत युद्ध एमए फाइनल 6th पेपर में डॉक्टर बीएल मीणा, आज इंटरनेशनल रिलेशन एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का जो 6th पेपर है उसके जो आगे की बातों में चर्चा कर रहा हूँ। कोल्ड वार के अंतर्गत, शीत युद्ध के कारणों के अंतर्गत, उसके चरणों के अंतर्गत हमने 6 चरणों का उल्लेख किया था, जिसमें पहले 2 चरणों के बारे में हमने आपको बता दिया। आज हम शुरुआत कर रहे हैं शीत युद्ध के तीसरा चरण यानी 1953 से 1958। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करें। जैसे सबसे पहले है सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण अगस्त 1953, जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिरा दिया गया और काफ़ी जनधन की हानि हुई, तो सोवियत संघ इस बात से नाराज़ हुआ कि हम मित्र राष्ट्रों की तरफ से आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और आपने यह तक नहीं बताया कि हमने अणुबम का आविष्कार कर लिया और उसका प्रयोग भी करने जा रहा है। तो इससे सोवियत संघ अमेरिका की इस कूटनीति से काफ़ी नाराज़ रहा, और इसी के विरोध में उन्होंने अगस्त 1953 में पहली बार आणविक परीक्षण कार्यक्रम किया, यानी अणु परमाणु बम के एक तरह से प्रयोग करने पर उन्होंने भी ध्यान दिया। इसके बाद में हिंद चीन का प्रश्न, यानी हिंद चीन की राजनीति में जब सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप किया जाए, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इस मामले में भी दोनों देशों के बीच में एक कटुतापूर्ण संबंधों की स्थापना हुई। सीटों का निर्माण 8 सितंबर 1954, यानी दक्षिणी पूर्व जब 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, तो दक्षिणी एशिया में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 सितंबर 1954 को नाटो की तर्ज पे ही सीटो संधि का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था दक्षिणी पूर्वी एशिया में सोवियत संघ के बढ़ते हुए साम्यवाद को प्रसार को रोकना, चीन और सोवियत संघ का जो गठजोड़ तैयार हो रहा था उसका विरोध करना, सीटो संधि का निर्माण करना था, यानी कि उसका एक जवाब था। वारसा पैक्ट का निर्माण, जब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्पित देशों द्वारा नाटो जून 1948 में नाटो और 8 सितंबर 1954 को जब सीटो संधि का निर्माण किया गया, तो इसके जवाब में सोवियत संघ ने पहली बार वारसा पैक्ट का एक सैनिक संगठन का निर्माण किया 14 मई 1955 को, जिसका मुख्य उद्देश्य था पूंजीवाद का विरोध करना, पूंजीवाद का खात्मा करना और साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना। यानी वारसा पैक सोवियत संघ द्वारा नाटो और सीटो संधि का एक सैनिक संधि का एक जवाब था, इसके विरोध में की गई, और इसमें ज़्यादातर सोवियत संघ के साथ जो साम्यवादी राष्ट्र थे वो सम्मिलित थे। हैंगरी में सोवियत हस्तक्षेप 1956। देखिए, संधि की शर्तों के अनुसार जब बालकान याल्टान समझौता हो गए थे और पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे जिसमें हैंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, ये संधि की शर्तों के हैंगरी में इंग्लैंड और सोवियत संघ का साझा अधिकार मान लिया गया था, परंतु इसके बावजूद सोवियत संघ द्वारा अनावश्यक बार बार हैंगरी में हस्तक्षेप किया जा रहा, संपूर्ण हैंगरी पर एक अधिकार स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, तो अमेरिका ने इसका विरोध किया कि भाई ये कम्बाइंड अधिकार माना गया है और आप संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हैं। तो हैंगरी में सोवियत संघ द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा था उसका भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया। आइजनहावर सिद्धांत 5 जून 1900। आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। देखिए, द्वितीय युद्ध के में अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन 1945 से 1953, उसके बाद में 1953 से 1958 तक आइजनहावर, और जो ट्रूमैन सिद्धांत 12 अप्रैल 1947 को और मार्शल योजना 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा दी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ऐसे राष्ट्र जो साम्यवाद के प्रचार प्रसार में जा रहे हैं या साम्यवादी शासन की जहां स्थापना हो रही है उनको जाने से ज़्यादा ज़्यादा आर्थिक सहायता दी जाए उन देशों को, और अमेरिका की पूंजी नीति का समर्थन कर रहा है, पूंजीवादी नीति का। तो इसी को आगे बढ़ाता हुए राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी 5 जून 1957 को एक सिद्धांत दिया, उसी सिद्धांत जो ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना को आगे भी अमेरिका उन देशों का समर्थन करेगा जो साम्यवाद का विरोध करेंगे और पूंजीवाद का साथ देंगे, यानी अमेरिका की नीतियों का जो समर्थन करेंगे उसका सहयोग अमेरिका हमेशा करता है। तो ये था तृतीय चरण 1953 से लेकर 1958, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने उल्लेख किया है,
यानी सोवियत संघ द्वारा आणविक परीक्षण अगस्त 1953, हिंद चीन का प्रश्न, सीटों का निर्माण 8 सितंबर 1900, वारसा पैक्ट 14 मई 1955 और हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप 1956, आइजनहावर सिद्धांत 5 जून 1900। इसके बाद में है चतुर चरण 1959 से लेकर 1962 तक। देखिए जो पहले के तीन चरण हैं उनमें संबंधों में काफ़ी कटता है, परंतु अब कुछ जो चतुर चरण है उसमें कुछ दोनों देशों के बीच एक सौहार्दपूर्ण, दोनों देशों के नेताओं के बीच एक वार्ता का दौर शुरू हुआ, जिस क्रुश्चेव की अमेरिका आता है। सोवियत नेता क्रुश्चेव ने 15 से 28 सितंबर 1959 को अमेरिका की यात्रा की। लगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महास्तंभ शक्तियों के बीच में संबंधों में सुधार होगा, परंतु इसके बीच में ही 1 मई 1960 को यू टू विमान अमेरिका का एक जासूसी विमान था जो सोवियत संघ की सीमाओं में जासूसी करता हुआ पकड़ा गया, जिससे सोवियत संघ काफ़ी नाराज हुआ। और जो पेरिस का सम्मेलन हुआ 16 मई 1960 को, उसमें हालांकि सोवियत नेता क्रुश्चेव ने भाग लिया, परंतु दोनों नेताओं के, अमेरिका राष्ट्रपति और उनके बीच में इतने अच्छे संबंध नहीं रहे। इसके बाद में 8 नवंबर 1960 को अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी निर्वाचित हुए, और यही सोचा और समझा गया कि आगे भी दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा, परंतु क्रुश्चेव द्वारा पूरी जर्मनी से एक पृथक संधि कर ली, धमकी दे दी जून 1961 में, तो दोनों देशों के बीच में पुनः एक तनाव, क्योंकि पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करना, संधि की शर्तों के अंदर पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के अधीन है, तो प्रथम संधि, एक पृथक संधि करना और धमकी देना, तो कैनेडी के कार्यकाल में भी सोवियत संघ के तनावपूर्ण, पुनः तनावपूर्ण संबंधों में और ज़्यादा एक तरह से प्रोग्रेस हुई। और इसी के बीच एक घटना घट जाती है 22 अक्टूबर 1962, क्यूबा एक छोटा द्वीप है, जहाँ 1958 में डॉक्टर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना कर दी, और धीरे धीरे सोवियत संघ ने क्यूबा की सीमाओं में सैनिक अड्डे स्थापित करने शुरू कर दिए, और क्यूबा अमेरिका के निकट। तो जब अमेरिका को इस चीज़ का मालूम पड़ता, अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि या तो क्यूबा से अपनी सेना हटा ले वरना युद्ध के लिए तैयार। देखिए ये अगर युद्ध होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध होता, और एक बहुत ही खतरनाक, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्व की राजनीति में काफ़ी जनधन की हानि होती। परंतु क्रुश्चेव उस समय, सोवियत नेता क्रुश्चेव ने एक महान दूरदर्शिता का परिचय देता हुआ क्यूबा से अपनी सेनाएं हटा ली, यानी बात को मान गए और युद्ध होते होते बच गए, यानी नहीं हुआ हम कह सकते हैं। तो यानी क्यूबा की घटना भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये जो चतुर चरण काल, इसमें उतार चढ़ाव आए, राष्ट्रपति कैनेडी के बाद में दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध है, आइजनहावर जब तक रहे सौहार्दपूर्ण, परंतु एक घटना यू टू विमान कांड और क्यूबा की घटना ने इसको एक तरह से संबंधों के सुधार में एक रोक लगा। इसके बाद में पंचम चरण 1963 से 1970। इस पंचम पहला कुछ बिंदुओं पर हम लोग उल्लेख करें, जैसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 25 जुलाई 1963, ये पहली बार विश्व की महानतम शक्तियों के बीच में, जिसमें इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, सोवियत संघ, अमेरिका के बीच में, कि आगे से कोई देश अणु परमाणु संधियों या अणु परमाणु परीक्षण नहीं करेगा और इस प्रकार की संधि नहीं करेगा। ये 25 जुलाई 1963। और दोनों देशों के बीच हॉटलाइन समझौता भी हुआ 1963 में, आपस में आने जाने, परमाणु अप्रसार संधि 1968, इस पर भी दोनों देशों की रजामंदी थी, परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी भी परमाणु विहीन राष्ट्र को किसी प्रकार की कोई अणु परमाणु जैसी या आणविक परीक्षण संबंधित किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा 1968 में। तो ये जो परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 25 जुलाई 1963 और हॉटलाइन, यानी हम कह सकते हैं कि पंचम चरण है जो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंधों की ओर आकर्षित हुआ। मास्को बोन समझौता, बोन यानी पश्चिमी राज्य जर्मनी की राजधानी बोन और मास्को सोवियत संघ की राजधानी, इनके बीच में पहली बार 1970 में एक समझौता, एक हॉटलाइन समझौता। देखिए सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के बीच में किसी प्रकार कोई समझौता नहीं, पूर्वी जर्मनी यानी बर्लिन और मास्को के बीच में संबंध था, पहली बार मास्को बोन समझौता 1970। बर्लिन समझौता अगस्त 1971 में, बर्लिन समझौता जिसके तहत पूर्वी पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा,
और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का संबंध आपस में बरकरार रहेगा। दो जर्मन राज्यों का सिद्धांत, यानी ये सिद्धांत रहा कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग अलग देश हैं, दोनों की अलग अलग राजधानी है, परंतु किसी प्रकार का भी आवागमन या आता संचार साधनों के कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी 19 नवंबर प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, ये जो प्रथम यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 3 जुलाई 1973 से फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यूरोपीय देशों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसमें किसी प्रकार की साम्यवादी शक्तियों का कोई हस्तक्षेप, विशेषकर सोवियत शक्ति का। द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन नवंबर 1974 में व्लाडिवास्तोक में हुआ, इसका भी मुख्य उद्देश्य यही था यूरोपीय देशों का कि इसमें दूसरे किसी भी देश द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाए और यूरोपीय राष्ट्र अपने आप की सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये नवंबर 1974। तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जून 1977 में बेलग्रेड की राजधानी यूगोस्लाविया में, यानी यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ जून 1977 में, और इसका भी मुख्य उद्देश्य ये। तो ये जो पांचवां चरण है 1963 से 1979 तक, ये चरण जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार हुआ और एक शांतिपूर्ण वार्ता भी स्थापित हुई, दोनों देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय विषय में चाहे जर्मनी का मामला हो उनमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में एक आपस में आदान प्रदान जैसी बात हुई, तो हम कह सकते हैं कि पंचम चरण, इसके बाद में लास्ट है छठा चरण 1980 से 1989, जिसमें पाक बांग्लादेश संघर्ष 1971, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, बांग्लादेश का सोवियत संघ ने बांग्लादेश और भारत का समर्थन किया। तो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो भागों में, इथोपिया और सोमालिया संघर्ष में सोमालिया का संयुक्त राज्य अमेरिका ने और इथोपिया का सोवियत संघ ने, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यहाँ भी दोनों महाशक्तियाँ 1900 बट गई। अफगानिस्तान में सोवियत संघ द्वारा जो बार बार हस्तक्षेप किया जा रहा था 97, उसमें अमेरिका ने चेतावनी दी गई कि अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा दी जाए और अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र घोषित कर। दक्षिणी कोरिया द्वारा सोवियत विमान कि दक्षिण जब सोवियत विमान दक्षिण कोरिया की सीमाओं में जासूसी करता पकड़ा, उसको 1983 में और उसको गिरा दिया गया, क्योंकि सोवियत संघ हमेशा उत्तरी कोरिया का समर्थन किया, दक्षिण कोरिया का समर्थन हमेशा अमेरिका ने किया है, तो ये भी एक घटना है। सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध हटाना, और ये जनवरी 1997 में सोवियत संघ द्वारा जो परमाणु परीक्षण संधि की गई थी 25 जुलाई 1900 उससे अपने आप को अलग कर लिया, इससे भी अमेरिका द्वारा नाराजगी प्रकट की गई। और लास्ट में रीगन द्वारा संघ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 1988 में अमेरिका राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव और सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शीत युद्ध का जो कार्यकाल है जो 1945 से लेकर के 1989 तक चला, इसमें कई उतार चढ़ाव, लास्ट में इसमें जो नुकसान हुआ है वो सोवियत संघ का हुआ, उसका विघटन होकर आज सोवियत संघ केवल एक रूस बनके रह गया है। तो ये थी।